हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ब्लोटिंग की समस्या यानी कि पेट का फूलना या पेट का सूजना या पेट में भारीपन और गैस का बने रहना को दूर करने के उपाय क्या होते हैं। दोस्तों, पेट में ब्लोटिंग का साधारण अर्थ होता है कि पेट का सूजना या पेट का फूलना। ब्लोटिंग होने पर आपको पेट में भारीपन, सूजन और पेट में फुलावट की समस्या और पेट दर्द की समस्या रहती है और आपको ऐसा लगता है आपने बहुत ज़्यादा खा लिया हो या आपके पेट में बहुत गैस भरी हुई है जिसे आप निकाल नहीं पा रहे। दोस्तों, अधिकतर मामलों में ब्लोटिंग की समस्या यानी पेट फूलने या सूजने की समस्या किसी फूड से एलर्जी या किसी दवाई से एलर्जी या फिर ज़्यादा गैस बनने के कारण सामने आती है। इसके अलावा यदि आपको पेट या पाचन से संबंधी कोई समस्या है तो भी आपको पेट फूलने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा पेट का फूलना, सूजना या पेट में दबाव महसूस होना समस्या के पीछे कई सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं और इसके लिए आपको ज़रूरी है, यदि आपके पेट में बार बार यह समस्या हो रही है और इसके कारण आपको बहुत दर्द सहना पड़ रहा है तो आपको डॉक्टर से इसका इलाज करवाना चाहिए। यदि आपको यह समस्या कभी कभार होती है और आपकी समस्या या दर्द या सूजन इतनी गंभीर नहीं है तो आप कुछ उपाय अपनाकर इसको कम कर सकते हैं या कम्प्लीटली दूर कर सकते हैं या इससे बचाव कर सकते हैं कि भविष्य में आपको यह समस्या फिर से ना हो। सबसे पहले उपाय की बात करें या बचाव के तरीके की बात करें तो यह समस्या तब होती है जब आप ज़रूरत से अधिक खाते हैं, जिससे आपको पेट में भारीपन, सांस लेने में कठिनाई और उबकाई या जी मिचलाना जैसे लक्षण महसूस होते हैं। इसलिए हमेशा भोजन को एक बार में ना खाएं। यदि आपको दिन में दो बार खाना है तो आप उस भोजन को तीन या चार भागों में बांट लें और हर दो या तीन घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खाएं। इससे आपके भोजन का पाचन अच्छे से होगा और आपको पेट में अधिक गैस बनने के कारण ब्लोटिंग की समस्या नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जब भी आप भोजन करें तो हमेशा अपने भोजन को अच्छी तरह से चबाकर निगलिए। भोजन करते समय किसी से बात करने या बोलने से परहेज रखिए ताकि कम से कम हवा आपके पेट के अंदर जा पाए। दोस्तों, पेट में फुलावट या सूजन की समस्या होने पर आपके पेट की संवेदनशीलता अधिक हो जाती है, इसलिए आप थोड़ा सा भी खाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत अधिक खा लिया हो। इसलिए अपने भोजन को कम करें और जितना ज़रूरत है उतना ही भोजन करें। इसके साथ आपका भोजन हल्का फुल्का और पचने में आसान होना चाहिए। यदि आपको किसी पदार्थ या खाद्य पदार्थ खाने के बाद पेट में गैस या दर्द की समस्या होती है तो इसका अर्थ हो सकता है कि आपको उस खाद्य पदार्थ से एलर्जी की समस्या हो सकती है। जैसे कि कुछ लोगों को प्रोटीन भरी डाइट खाने के बाद एलर्जी या पेट में फुलावट होने की समस्या रहती है और इसके अलावा कुछ लोगों को मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट खाने के बाद पेट में सूजन या फुलावट या भारीपन रहने की समस्या आती है। तो दोस्तों, यदि आपको कोई खाद्य पदार्थ खाने के बाद पेट में दर्द या फूलने की या पेट में सूजन होने की या भारीपन रहने की शिकायत हो तो उस खाद्य पदार्थ से आपको परहेज करना चाहिए। दोस्तों, कुछ खाद्य पदार्थ गैस पैदा करने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, जैसे कि हाई फाइबर फूड होते हैं या दालें होती हैं या बीन्स। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट या फैटी फूड जैसे आप पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह खाते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ पचाने में बहुत मुश्किल होते हैं जिसके कारण आपको गैस की समस्या अधिक रहती है। तो पेट को फूलने या सूजने से रोकने का सबसे अच्छा उपचार ये होता है या उपाय ये होता है कि आप ऐसी चीज़ से परहेज करें जिससे आपको बार बार गैस हो रही है। दोस्तों, यदि आपको IBS की प्रॉब्लम है तो आपको पेट में फूलना, सूजन रहना, पेट दर्द, पेट में भारीपन महसूस होना, इसके अलावा बार बार कब्ज या दस्त की शिकायत होना जैसे लक्षण अधिक महसूस होते हैं, इसलिए आपको ऐसी चीज़ों से परहेज करना होता है जो कि IBS के लक्षणों को उत्तेजित करे या जो चीज़ें या खाद्य पदार्थ पेट में भारीपन, सूजन और गैस पैदा करने के लिए जानी जाती हैं। ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं गेहूं, प्याज, लहसुन, ब्रोकोली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बीन्स, सेब और तरबूज। कुल मिलाकर यदि आपको पेट में IBS की समस्या है या पेट संबंधी कोई दूसरा विकार या रोग है तो आपको डॉक्टर या डाइटिशियन की मदद से ही
डाइट चार्ट तैयार करवाकर उसका पालन करना चाहिए। ऐसा पाया गया है कि शराब, मीठे पदार्थ, सोडा या चाय का सेवन करने से आपको ब्लोटिंग की शिकायत यानी कि पेट फूलने की समस्या अधिक होती है, तो ऐसी चीज़ों को खाने पीने से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, पाचन का कमज़ोर या वीक होना या आपकी डाइजेस्टिव पावर का कमज़ोर होना सबसे बड़ा कारण होता है ब्लोटिंग के पीछे, यानी कि आपको यदि कमज़ोर पाचन की समस्या है तो आपको बार बार ब्लोटिंग की यानी पेट फूलने की या पेट में सूजन या भारीपन महसूस होने की समस्या होगी। ऐसे में आपको चाहिए कि आप किसी फिजिशियन या डॉक्टर से पूछकर डाइजेस्टिव एंजाइम्स की टैबलेट यूज़ कर सकते हैं या कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका पाचन जल्दी होगा, फलस्वरूप आपकी जो ब्लोटिंग की समस्या हुई है या बार बार होती है वो समस्या नहीं हो पाएगी आपको। इसके अलावा यदि आपको किसी दवाई खाने के बाद पेट में दर्द, भारीपन, सूजन या फूलने की शिकायत होती है तो डॉक्टर को उसके बारे में बताएं और अपनी दवाई में ज़रूरी परिवर्तन करवाएं, क्योंकि खराब पाचन, गैस या एलर्जी के बाद दवाई का सेवन करना ही ब्लोटिंग का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। दोस्तों, ब्लोटिंग से बचाव करने के लिए या उसका इलाज करने के लिए आपको अपने पेट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाना चाहिए। इसके लिए आप प्रोबायोटिक ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण होता है घरेलू दही, जो कि एक प्राकृतिक प्रोबायोटिक ड्रिंक होता है जिसमें कि अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि पाचन को तेज करने में मदद करते हैं। प्रोबायोटिक लेने से आपका पाचन सुधरता है, जिससे आपको गैस की समस्या कम होती है और पेट में ब्लोटिंग की समस्या आपको नहीं हो पाती। इसके अलावा पेट में सूजन या फुलावट या प्रेशर या दर्द महसूस होने का कारण सबसे बड़ा होता है पेट में कब्ज की समस्या होना। इसलिए आपको ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिससे आपकी कब्ज की समस्या दूर हो सके। इसके लिए आपको अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। आप इसबगोल पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपकी कब्ज की समस्या लंबे समय से चलती आ रही है तो इसके लिए आप डॉक्टर से कब्ज दूर करने की दवाई भी ले सकते हैं। ढेर सारा पानी पीना और रोजाना एक्सरसाइज करना कब्ज को दूर रखने का एक अच्छा तरीका माना जाता है। अंत में हम आपको यही सलाह देंगे कि यदि आपको यह समस्या बार बार होती है और आपको पेट में बहुत तेज दर्द महसूस होता है और ऐसा बार बार आपके साथ होता है, तो हमेशा किसी अच्छे पेट के डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए और ज़रूरी इलाज लेना चाहिए, खासकर जब आपको इन उपायों के बाद भी आराम ना आए। तो दोस्तों, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर पूछिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।